इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीवो V29 मोबाइल का हॉटस्पॉट दूसरे मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसे कैसे ठीक किया जाता है। तो अगर आपके पास वीवो का V29 मोबाइल है और आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को दूसरे मोबाइल में कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीवो V29 मोबाइल का हॉटस्पॉट दूसरे मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो स्लाइडर है ऊपर से नीचे की ओर लाना है और लाने के बाद यहाँ पर आपको हॉटस्पॉट पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने से हॉटस्पॉट जो सेटिंग होता है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2-3 सेटिंग कर लेना है। सबसे पहले आपको हॉटस्पॉट नेम पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इसके नाम को चेंज कर लेना है। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं रख लीजिए और ओके कर देना है। उसके बाद आपको नीचे हॉटस्पॉट पासवर्ड मिलेगा तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस पासवर्ड को भी एक बार चेंज कर लेना है और चेंज करने के बाद आपको ओके कर देना है। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख लीजिए, अगर आप एक पर सेलेक्ट रहेगा तो आप एक से ज़्यादा हॉटस्पॉट अपने मोबाइल में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा कनेक्ट करना है तो 2-3-4 जो भी सेलेक्ट करना है कर लीजिए। और उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा AP बैंड का, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 2.4 बैंड पर क्लिक कर देना है। और आपको एक और सेटिंग कर लेना है, नीचे आपको ब्लॉक लिस्ट मिलेगा तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि आप जिस भी हॉटस्पॉट को कनेक्ट करना चाहते हैं कहीं वह डिवाइस आपके मोबाइल के ब्लॉक लिस्ट में तो नहीं है। अगर है तो आपको इसे डिलीट कर देना है। ब्लॉक लिस्ट में रहेगा तो उस मोबाइल का हॉटस्पॉट आपके मोबाइल में कनेक्ट नहीं होगा। तो जो भी ब्लॉक लिस्ट में ना है यहाँ पर उसे आप डिलीट कर दीजिए। इतना सेटिंग कर लेना है और इतना सेटिंग करने के बाद आपको एक बार अपने मोबाइल को ऑफ कर लेना है। अगर कनेक्ट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है आपको तो अपने मोबाइल को एक बार ऑफ कर लेना है। ऑफ करके ऑन करना है, उसके बाद आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट जो है दूसरे मोबाइल में कनेक्ट होने लगेगा।